चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, कुलदीप व्यास, जो कि जोधपुर राजस्थान से है, जिनका नीम सेट में 601 रैंक और बीएचयू में 114 रैंक और सीटी महाराष्ट्र में 151 रैंक है। तो कुलदीप, सबसे पहले आपको इन तीनों रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स और आपको देना चाहूंगा सर। थैंक यू कुलदीप। तो कुलदीप देखो, आपने तीन तीन एग्जाम दिए और तीनों एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाए, अच्छी रैंक आई और इनफैक्ट आपने फाइनली निमसेट के थ्रू एनआईटी पटना लिया। और कुलदीप, आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, घर पर रह के ऑनलाइन पढ़ाई करके की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हर बच्चे की लाइफ या सक्सेस जर्नी बहुत अलग अलग होती है, तो आपने निमसेट के लिए पहले तो कब सोचा कि मुझे एमसीए करना है, कब आपके मन में विचार आया, फिर आपने उसका क्या एक्शन लिया, ऑनलाइन रहते हुए पढ़ाई जो आपने की उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ आए, क्या क्या आपने लर्न किया, क्या आपकी सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा आप डिटेल में बताओ। राइट सर। तो सर सबसे पहले तो मुझे निमसेट नाम के एग्जाम के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे यूट्यूब पर एक बार स्क्रॉल करते करते आपके वीडियोस दिखे, तो जब आपके चैनल को सर्च किया तो पता चला कि अच्छा निमसेट नाम का भी एग्जाम होता है, एमसीए के लिए एनआईटीज भी करवाती है। पहले ये लगता था कि आईआईटी एनआईटी तो सिर्फ बीटेक के लिए होती है, तो इसके बारे में पहले कुछ इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं। कॉलेज के सेकेंड ईयर तक तो सर हमें यही पता था कि बीसीए करनी है और इसी कॉलेज से एमसीए भी करनी है, बट जब ग्राउंड रियलिटी पता चली कि यहाँ से जॉब के कोई चांसेस है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, तो जब बाद में ये चीजें पता चली तो मैंने कॉलेज का सेकेंड ईयर जब ओवर हुआ तो फाइनल ईयर के साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था बट इतना आउटपुट आ नहीं पा रहा था, मैं जब खुद से पढ़ाई कर रहा था तो इतना मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, और जब मैंने मॉक दिए खुद से तो पता चला कि कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने आपका कोर्स देखा, फिर मैंने आपके कोर्स में एनरोल कर दिया, उसके बाद में सर आपके टेस्ट और आपका टेस्ट मटेरियल और वीडियोस वगैरह देख के सर कॉन्फिडेंस भी आने लगा। मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मेरे पास टाइम भी कम था, मई तक आते आते आपने अच्छे से पूरा सिलेबस भी करवा दिया था और हो चुका था, एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका था, बट उसके बाद में सर एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई। वो टाइम सर मेरे लिए था कि मैंने थोड़ा कम ध्यान अपने ऊपर, मतलब मई तक आते आते तो अच्छी से पढ़ाई चल रही थी बट जब एग्जाम की डेट आगे चुकी थी, बट फिर भी लास्ट तक आते आते वापस संभाला, पूरा रैपअप किया, टेस्ट देते रहे, डेली टेस्ट दिए, उससे अच्छा हुआ। और फाइनल ईयर में आके सर प्रिपरेशन की, 5-6 महीने, ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया सर, जनवरी से आके फिर मई में तो एग्जाम ही था, तो 5-6 महीने का टाइम था मेरे पास, इतने में जितना हो सका उतना किया, बट जितना भी आपने करवाया वो सफिशियंट था, मैंने तो किसी दूसरी बुक को भी नहीं किया, जो आपने पढ़ाया उससे मेरा हो गया। तो कुलदीप बिल्कुल सही बात बोली आपने, कई बार बच्चे क्या होता है, बहुत बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, पर अगर सेल्फ स्टडी से मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एक एक्शन ले लेना चाहिए, या तो कोर्स या टेस्ट सीरीज, जैसे आपने समय रहते हुए एक्शन ले लिया। यही एक्शन नहीं लेते आप तो हो सकता है आपको कि इस साल ड्रॉप लेना पड़ता, पर क्योंकि आपने जनवरी में डिसाइड कर लिया कि नहीं चलो अब भी टाइम है, और उसका देखो एक फायदा मिला, इनफैक्ट आपने मई में आके थोड़ी सी पढ़ाई को लूज कर दिया, अगर वो नहीं किया होता आई थिंक तो और कुछ और अच्छी भी रैंक हो सकती थी। तो कई बार कुछ प्लस माइनस होते हैं, पर फिर भी अंत भला तो सब भला बोलेंगे हम, एट लास्ट आपने अपने आप को कवर कर लिया फाइनली। हाँ सर, यही था सर कि मतलब मई तक आते आते तो अच्छी पढ़ाई चल रही थी, बट जब एग्जाम की डेट आगे शिफ्ट हुई तो मन में ये लगा कि अब तो सिलेबस हो रखा है और प्रिपरेशन भी पूरी है, तो फिर बस टेस्ट वगैरह दे देते थे, बट इतनी पढ़ाई अच्छे से की नहीं, बाद वो जब अगस्त में एग्जाम शिफ्ट हुआ तो उस टाइम थोड़ा मैंने कम ध्यान दिया। चलो बहुत ही अच्छी बात है कुलदीप। अच्छा कुलदीप, आपने क्योंकि फाइनल ईयर के साथ ही ज्वाइन किया था और बहुत लेट ज्वाइन किया था, उसके बाद भी आपने रिकवर कवर कर लिया था, तो आपको अपने आपका जूनियर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहोगे उनको, स्पेशली जो फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में है, या जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? यही बात कहना चाहूंगा कि लेट करने से मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेना है, जल्दी से जल्दी एनरोल करना है या तो, और पढ़ाई स्टार्ट करनी है, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने सर 1 महीना सोचने में लगा दिया कि निमसेट करूं या अपने कॉलेज एग्जाम्स में ध्यान दूं। निमसेट एग्जाम के 4 दिन बाद सर कॉलेज एग्जाम्स थे, बट मैंने निमसेट को प्रायोरिटी दी और निमसेट एग्जाम के लिए पढ़ता रहा, कॉलेज एग्जाम्स को इतना नहीं लिया, उनमें भी अच्छे मार्क्स आए गए, कोविड ने बहुत हेल्प कर दी थी, क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेज एग्जाम्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे और कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन ही होती थी, तो मैं इसी बीच निमसेट की भी पढ़ाई कर लेता था, तो उसी वजह से। तो सबसे पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डेली कंसिस्टेंसी जरूरी है, अगर दिन के 4 घंटे भी पढ़ रहे हो और अगर डेली पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट है, बजाय उसके कि एक दिन में 15 घंटे पढ़ा और कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डेली पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है, तो जूनियर्स को बस यही सलाह है कि आज ही डिसीजन लो, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल ठीक बात है कुलदीप, तब आप ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करो एनआईटी पटना में भी,
आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट यस हैं, सर, आपके ऊपर बहुत सारा दामोदार है, सारा जूनियर जो लावी है वो सब आपको देख के आने वाली है। तो बीटेक के लिए तो जैसे एनआईटी राइट पटना सर, पहले से जाना जाता है, अब एमसीए के लिए भी जाना जाए, ये कोशिश आपके बैच की होना चाहिए। तो वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।